होता है तो पाइनएप्पल्स की बहुत सारी फॉर्म्स मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जनाब इसके फायदे क्या है, इस हवाले से हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया हमें बताएंगी। जी जवेरिया, आज हम बात करेंगे अनानास यानी पाइनएप्पल के बारे में। पाइनएप्पल की जब भी बात की जाती है तो इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मिनरल्स और उसके ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली विटामिन सी एनरिच्ड होता है, जहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल ब्रोलामिन जो इसमें इंपॉर्टेंट एसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है, वहीं पर इसका जो येलो पिगमेंट है वो आपकी डिस्कलरेशन, आपकी स्किन के लिए, आपके डिफरेंट एंजाइम्स के लिए बहुत अच्छा है। जबकि माइक्रो मिनरल डेफिशिएंसी की बात की जाती है और स्पेसिफिकली इस चीज़ की बात की जाती है कि आपकी बॉडी में गजाई किल्लत को भी बहुत हद तक पूरा करता है, पर यहाँ पे बताती चलूँ कि आपकी जो आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट जो असेंशियल मिनरल्स होते हैं, अगर उसकी कमी को पूरा करना है तो इसमें आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम, डाइट्री फाइबर रिच अमाउंट में होता है। डाइट्री फाइबर की जब भी बात की जाती है तो इट्स गुड फॉर द कॉन्स्टिपेशन, इट्स गुड फॉर द हेल्थ, इट्स गुड फॉर द मेटाबॉलिज्म और साथ ही साथ आपकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में जो इम्यूनोग्लोबुलिंस का होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ब्रोलामिन, इट्स गुड फॉर योर असेंशियल न्यूट्रिएंट टू। डाइट्री फाइबर की वजह से आपकी बॉडी ना सिर्फ प्रॉपर सर्कुलेट करती है बल्कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका निज़ाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत से मजबूत होता जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आई साइट अच्छी हो, आप अच्छी तरह से सुन सकें, अच्छी तरह से ज़िंदगी मामला अंजाम दे सके, तो आप अपनी डाइट में ज़रूर अनानास का इस्तेमाल करें। यहाँ बताती चलूँ कि जहाँ पे अनानास डिमेंटिया यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी और उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, इट्स वेरी गुड ब्लड थिनर टू यानी खून पतला करने वाली ग़िज़ा है, तमाम वो लोग जिनको दिल के अमराज में है यानी खून उनका थिक है, या फिर उसके अलावा उनको एंजाइना पेक्टोरिसिस हो चुका है, या डिफरेंट वो उनकी बॉडी लिथार्जिक रहती है और थके थके रहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपनी डाइट में अनानास ज़रूर ऐड करें। तमाम वो बच्चियाँ, ख़वातीन और वो मर्द हज़रात जिनको लगता है कि उनकी बॉडी पे रैशेज हैं या उनको फूड एलर्जीज़ हैं, तो ये उसमें भी बहुत हद तक इन्फ्लेमेशन को काबू करता है। तमाम वो लोग जिनको CKDs हैं यानी किडनी डिसऑर्डर्स हैं, वो इसको वाटर रेगुलेशन मेथड के साथ यूज़ कर सकते हैं 4 hourly फीडिंग में। लाइक टू से दैट अगर उन्होंने 25 ml पाइनएप्पल लिया है और उसमें तकरीबन 75 ml वो वाटर पानी ऐड करते हैं और 4 hourly फीडिंग तकरीबन 72 hours तक यूज़ करते हैं, तो उनकी जो किडनी है वो टोटल प्योरीफाई हो जाती है, यानी क्लीन, इट्स अ गुड डिटॉक्सीफायर एंड गुड बॉडी क्लींजर टू। यहाँ पे बताती चलूँ कि पाइनएप्पल बेसिकली एक एसेंशियल एंजाइम पे बेस करता है, जिसमें ना सिर्फ मतलब डाइट्री फाइबर है बल्कि एसेंशियल माइक्रो मिनरल्स भी हैं, और जो चीज़ें शायद आपकी अदवियात पूरी नहीं कर सकती, तो वो एक स्पेसिफिकली जो एक ऐसा फूड है और ऐसा एक नेचुरल फूड है जो कि आपको हेल्प आउट करता है। यहाँ मैं एक चीज़ बताती चलूँ कि आप जब आप खुला अनानास लेते हैं और अगर वो फ्रेश है तो दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, और अगर वो प्रिजर्वेटिव वाला है तो उसमें जो यू कैन गो थ्रू विद द सुक्रोज या उसमें जो वाटर कंटेंट है वो बेसिकली प्रिजर्वेटिव ज़्यादा यूज़ होता है, उसको आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती कि आप उसको भी पी लें, अपनी चीज़ों में कंज्यूम करें। मतलब जितना अनानास का पानी होता है उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए और उसके जो क्यूब्स हैं या जो फल है उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि इट्स रिच इन शुगर्स और उसमें सुक्रोज होता है, फ्रुक्टोज यानी कि फ्रूट शुगर होता है, नेचुरल फ्रूट शुगर होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो इसको किसी ना किसी हाई ब्रांड फूड के साथ इस्तेमाल करें, किसी डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं। इट्स गुड फॉर द अर्थराइटिस पेशेंट्स, गुड फॉर द यूरिक एसिड पेशेंट्स यानी जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि लो प्यूराइन डाइट में आता है। वन कप इट्स फाइन फॉर देयर हेल्थ। और साथ ही साथ मैं बताती चलूँ कि बच्चे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है और उनकी ग्रोथ डिसऑर्डर्स हैं, वो भी अपनी डाइट में पाइनएप्पल ऐड कर सकते हैं। आइदर के इट्स लिटिल बिट इकोनॉमिकल, बट जब भी आप इसकी आपकी बॉडी में गजाई किल्लत आ रही हो, तो आप अगर जब भी अनानास का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत सी आपकी जो बॉडी डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इरेगुलर हुई होती हैं उसको काफ़ी हद तक प्रूवन आउट